नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो शेयर मार्केट में जीरो हो चुका है। यहाँ पे रिटेल निवेशक, शेयर होल्डर सब बर्बाद हो चुके हैं। अगर वो यहाँ पे जितना भी इन्वेस्ट किए थे उसका वैल्यू आज के दिन जीरो हो चुका है। दोस्तों, मैंने इस टॉपिक के ऊपर, इस शेयर के ऊपर पिछले दो महीने में दो तीन वीडियो बना चुका हूँ और मैंने आपको दो तीन बार पहले ही आग्रह कर चुका था कि यही स्टॉक से आप बचिए, आगे जाके यह स्टॉक जीरो भी हो सकता है। दोस्तों, हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम DHFL है, जो कि आज की शेयर वैल्यू उसका जीरो हो चुका है। NSE BSE में सस्पेंड हो चुका है, वहाँ ट्रेडिंग अब हो ही नहीं रहा है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैंने पिछले तीन महीने में दो तीन बार DHFL के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब पिछले हफ्ते भी मैंने आपको इस स्टॉक से दूर रहने का सलाह दिया था। फाइनली जो मैंने कहा था वही हुआ। ये स्टॉक NSE BSE से डीलिस्ट कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। अब जिनके पास भी रिटेल निवेशक हो, चाहे शेयर होल्डर हो, जिनके पास भी इनका जो भी स्टेक था वो आज के समय में जीरो हो चुका है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले कई वीडियो में आपको एक चीज़ समझाया था कि जब भी कोई इस टाइप का पेनी स्टॉक दिवालिया घोषित हो जाता है, अगर उसका कंपनी के ऊपर कर्ज रहता है, NCLT प्रोसेसिंग में जाता है, तो रिटेल निवेशक क्या करते हैं, उस कंपनी को खरीदने की कोशिश करते हैं जो ऑलरेडी कंगाल हो चुका रहता है। कभी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझता हूँ। कभी भी हम मार्केट में देखते हैं कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है जो कि NCLT प्रोसेसिंग से आ रहती है, यहाँ पे कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज रहता है। तो यहाँ रिटेल निवेशक का मानसिकता क्या रहता है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे छोटी कंपनी पर पैसा लगाते हैं। कभी रिटेल निवेशक बड़ी कंपनी पर पैसा नहीं लगाते क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रांग रहती है। कायदे से तो आपको बड़ी कंपनी पैसा लगाना है, लेकिन लोग क्या करते हैं, वो NCLT प्रोसेसिंग जिस कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्ज रहता है आप वहाँ पे पैसा लगाते हैं। उनके मन में भी यह रहता है लालच कि आज ये स्टॉक 5 रुपये का है तो कल के दिन आपको 40 रुपये मिल जाएगा, 50 रुपये मिल जाएगा। दोस्तों, 100 कंपनी में एक दो कंपनी में ऐसा होता है, बाकी आप देखेंगे 90% कंपनी यहाँ पे अपना जो पुराने लेवल पे नहीं पा सकती है। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे और होता है, जैसे कि पिछले दिनों आपने रुचि सोया में देखा होगा कि ये भी सेम प्रोसेसिंग था। यहाँ पे छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी ने एक्वायर किया, मतलब पतंजलि रुचि सोया को पतंजलि ने एक्वायर किया और उसके बाद वो भी डीलिस्ट हो गया था, जैसे कि DHFL हुआ। उसके बाद जब फिर रिलिस्ट हुआ तो वहाँ पे शेयर होल्डर को 100 शेयर के बदले 1 शेयर दिया गया। अब बताइए इससे और कितना बड़ा लॉस, मतलब आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था तो उसका वैल्यू सिर्फ 1 रुपये रह गया। तो मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि इस टाइप के जो भी होता है तो वहाँ से आप दूर रहिए। ये DHFL वाले केस में हुआ ये क्या था कि DHFL तो आपको पता है कि उसके ऊपर करीबन 60,000 करोड़ के ऊपर का कर्ज है, तो वो NCLT की में गई, दिवालिया घोषित हो गई, फिर उसे यहाँ पे पिरामल ग्रुप ने एक्वायर कर लिया। अब जानते हो कि पिरामल ग्रुप हमारे इंडिया की कितनी बड़ी बिजनेस हाउस है, बहुत ही बड़ी हमारे इंडिया की ग्रुप है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उसने छोटी सी कंपनी को एक्वायर कर लिया, कल के दिन अगर पिरामल ग्रुप के लिए ये डील कुछ हो भी जाता है, सक्सेस नहीं भी होता है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास मान लो 1,000 करोड़ है और यहाँ पर वो मात्र 50 करोड़ का एक कंपनी खरीदते हैं, तो उनका 50 करोड़ डूब भी जाता है तो उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किसको पड़ेगा, ये नीचे कंपनी, मतलब इसको DHFL, वो तो ऑलरेडी डूब चुकी है, उसको तिंका का सहारा है, उसको तिंका का सहारा कौन दे रहा है, DHFL। लेकिन लोग इनके मानसिकता को नहीं समझते, लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं, वो पेनी स्टॉक है, आज के दिन में आज इसका प्राइस 12-10-20 रुपये है तो आगे जाके इसका 100 रुपये होगा तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। दोस्तों, शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, अगर आप DHFL के प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो भले वहाँ पर 30-35% प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन वहाँ देखना 100% प्लेस्ड है, यानी सारा का सारा माल उनका प्लेस्ड है, मतलब वो गिरवी रख के तो ऑलरेडी निकल चुके हैं। आखिरी में फंसता कौन है, आप, हम रिटेल निवेशक। इसलिए मैं बार बार आपको समझाता हूँ दोस्तों, जब भी आप इस टाइप के पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो अपना लॉजिक लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। अब बताइए, मान लो आपने किसी भी रिटेल भाई ने DHFL पे इन्वेस्ट किया था, भले उन्होंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था, लेकिन आज के ज़माने में, मतलब आज के दिन उसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो, अंडा, मतलब उसका वैल्यू ही नहीं है। दोस्तों, उससे अच्छा आप इस टाइप की डूबी हुई कंपनी में पैसा लगाते, उससे अच्छा आप यहाँ पे कुछ किसी को दान कर देते वो पैसा, या किसी को एक टाइम का मूवी देख लेते, या एक टाइम उसको जाके खाना खा लेते, तो आपका पैसा
आपसे मतलब खर्च होगा तो आपके दिल में तसल्ली रहती है। आज के दिन वो जितने भी रिटेल निवेशक हैं उनके मन में क्या गुजर रहा होगा, खैर ये सब बातें जाने दीजिए, इसी का नाम शेयर मार्केट है तो है। तो मेरा ये पर्सनल ये आप सभी को सजेशन है कि जब भी इस टाइप का सिचुएशन प्रेजेंट में आता है तो आप पहले अपना एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए।